नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्या सैनिक स्कूलों में लड़कियाँ पढ़ सकती हैं? यह सवाल कमेंट के माध्यम से बार बार मुझसे पूछा जा रहा है और इस सवाल के जवाब में मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर यह महत्वपूर्ण घोषणा करी कि अब सैनिक स्कूलों में लड़कों के साथ साथ लड़कियाँ भी पढ़ सकती हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे पूरे देश से लाखों की संख्या में बच्चियों के मैसेजेस आए जिन्होंने अपनी चाहत मेरे आगे रखी कि वह भी सैनिक स्कूलों में पढ़ना चाहती हैं। और फलस्वरूप सरकार ने इस बात का फैसला लिया है कि पूरे देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब लड़कियां भी पढ़ पाएंगी। सैनिक स्कूलों के दरवाजे अब लड़कियों के लिए खोल दिए गए हैं। साथ ही आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो सैनिक स्कूल के संबंधित हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सैनिक स्कूलों में जो दाखिला प्रक्रिया होती है वह कक्षा 6 से उसकी शुरुआत होती है और कक्षा 12 तक के बच्चे सैनिक स्कूलों में पढ़ सकते हैं। कक्षा 6 और कक्षा 9 में दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे AISSEE कहा जाता है, यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि सैनिक स्कूल कंडक्ट करवाते हैं और CBSE के करिकुलम को फॉलो करते हैं। कक्षा 11 में दाखिले के लिए कक्षा 10 के अंकों को आधार मानकर कक्षा 11 में दाखिला दिया जाता है। साथ ही जिस भी राज्य में सैनिक स्कूल होता है उस राज्य के बच्चों के लिए 67% सीटें रिजर्व की जाती हैं, बाकी 33% सीट्स उन बच्चों को उन पर दाखिला दिया जाता है जो उस राज्य के बाहर से आए हुए होते हैं। अब अगर बात करें शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की, यानी कि अनुसूचित जाति रिजर्वेशन की, तो है 15%, अनुसूचित जनजाति रिजर्वेशन यानी शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन 7.5%, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी अन्य पिछड़ा वर्ग 27% रिजर्वेशन, और साथ ही जो सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन और करंट सर्विसमैन यानी कि जो हमारे आर्मी मैन है वह रिटायर हो गए हैं या फिर वह अभी भी देश की सेवा कर रहे हैं, तो 25% सीट्स उनके बच्चों के लिए भी आरक्षित होती है। फिलहाल देश में 33 सैनिक स्कूल हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में 2-2 सैनिक स्कूल हैं। ये जो सैनिक स्कूल हैं यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आते हैं और यह सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत इनका इन्हें चलाया जाता है। जैसा कि नाम है सैनिक स्कूल, यह स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं कि वह आगे जाके आर्म फोर्सेस में जाएं और हमारे देश की सेवा करें। इसीलिए यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कैडेट्स कहा जाता है। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करवाया जाता है और जो मिलिट्री लाइन्स के अकॉर्डिंग, मिलिट्री अकेडमीज के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे सैनिक स्कूल के संबंध में कि क्या हमारी बच्ची सैनिक स्कूल में पढ़ सकती है, तो मेरा जवाब है जी हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खोल दिए हैं रास्ते बच्चियों के लिए कि वह अब सैनिक स्कूल में पढ़ पाएंगी। आने वाले समय में सैनिक स्कूल संबंधित ढेर सारी जानकारी सबकी शिक्षा के माध्यम से मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। तो यदि आप चाहते हैं अपने बच्चों का सैनिक स्कूल में दाखिला करवाना तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी का निशान है जिसे बेल आइकन भी कहते हैं उसे भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो यहाँ से रिलीज करूँगी, कोई भी वीडियो जारी करूँगी, उसकी जानकारी तुरंत आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगी। निःशुल्क वीडियो, मुफ्त में जानकारी आपको सबकी शिक्षा के माध्यम से मिलेगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।